देश भर में प्लास्टिक बैन को लेकर आज से नहीं कई सालों से कई तरीके के अभियान चल रहा है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारे पर्यावरण तक को बहुत ज्यादा दूषित खराब कर रहा है। और देश में शासन द्वारा पॉलिथीन बैन के आदेश के मद्देनजर जनपद के कस्बा गुलावटी में स्थित नगर पालिका में यूं तो बीते 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 यानी कि 6 दिवसीय पॉलिथीन जब्तीकरण अभियान चला था और एक सख्त फरमान चेयरमैन शैलेश तिवतिया, ईओ निहारिका चौहान, कर्मचारी सहित नगर के गणमान्य लोगों को ही उपस्थिति में लिया गया था, लेकिन जिसमें नगर को पूरी तरह से पॉलिथीन मुक्त कराने की आशा थी, आशा जगी भी थी, लोगों ने सोचा था कि पॉलिथीन मुक्त अब पूरा बुलंदशहर हो जाएगा। इस फरमान को लेकर नगर में मानो हड़कंप सा मच गया और आम जनों में चर्चा होने लगी कि क्या इस बार नगर में सच में पूरी तरह से पॉलिथीन मुक्त हो जाएगा और पॉलिथीन विक्रेता माफियाओं पर भी पालिका कड़ी नकेल कस डालेंगी। लेकिन इसका खौफ नगर में पॉलिथीन विक्रेता माफियाओं खरीदारों पर शायद ही हुआ नहीं, या ये कहा जा सकता है कि पालिका द्वारा कार्रवाई करने को लेकर केवल मात्र खानापूर्ति की गई, क्योंकि अगर नगर में उस दौरान सख्ती के साथ अभियान चलाया गया होता तो शायद पालिका को 24 जून 2024 दिन सोमवार को फिर से पॉलिथीन जब्तीकरण अभियान चलाने को लेकर एक और विशेष बैठक पालिका के मीटिंग हॉल में आहत करने की कोई जहमत नहीं उठानी पड़ती। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद यह है कि शायद इस बार जो बैठक हुई है उसके बाद पॉलिथीन पूरी तरह से बैन होगी। इस पूरे मामले को लेकर मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे थे, क्या तस्वीर उन्होंने देखी और किस तरीके से पॉलिथीन मुक्त पूरा प्रदेश करने के लेकर मुहिम चलाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी उनके पास थी, जरा सुनिए। शासन द्वारा देश भर में पॉलिथीन को बैन किया हुआ है। देश भर में पॉलिथीन का चलन ना हो उसके लिए शासन द्वारा सख्त आदेश भी जारी हैं। इसी के मद्देनजर नगर पालिका गुलावटी द्वारा 24 जून 2024 को पालिका में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका चेयरमैन द्वारा की गई। बैठक के दौरान ईओ कर्मचारीगण सहित नगर के गणमान्य जन उपस्थित रहे। नगर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए गणमान्य जनों ने अपनी राय और कुछ विचार रखे। इसी दौरान पालिका द्वारा फरमान जारी किया गया कि 26 जून को नगर में पॉलिथीन जब्तीकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बात अगर अभियान को लेकर की जाए तो बीते माह दिसंबर 2023 में भी ऐसी ही एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें गणमान्य जनों ने अपने विचार रखे थे। इस बीच का अंतराल देखा जाए तो करीब 6 माह बाद 24 जून को पालिका द्वारा विशेष बैठक का आयोजन किया गया, किंतु पहले वाला अभियान कितना सफल हो पाया कितना नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन क्या ये अभियान नगर गुलावटी को पूरी तरह से पॉलिथीन मुक्त करा पाएगा ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बात अगर गणमान्य जन व्यापारियों की जाए तो पालिका ने उस दौरान गणमान्य जन व्यापारियों की दुकानों पर जाकर भी क्या समीक्षा की कि उनके द्वारा पॉलिथीन का प्रयोग किया जाता है या नहीं, क्या इस बार जब अभियान चलेगा नगर गुलावटी में तो उन गणमान्य जन की दुकानों पर भी पालिका द्वारा यह समीक्षा की जाएगी कि जो गणमान्य जन नगर पालिका में अपनी राय और विचार रखते हैं पॉलिथीन मुक्त करने को लेकर कि उनके द्वारा पॉलिथीन का प्रयोग किया जाता है या नहीं। पॉलिथीन के चलन को रोकने के लिए बात अगर नगर में पॉलिथीन विक्रेता को लेकर की जाए तो इस अभियान के तहत क्या उन पर भी कोई कड़ी कार्रवाई पालिका द्वारा की जाएगी? आखिर पॉलिथीन मुक्त कब तक और किस तरह की कार्रवाई से पालिका द्वारा की जाती है ये देखना तो बेहद ही दिलचस्प रहेगा। लेकिन न्यूज बोल इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पालिका द्वारा चलाए जाने वाले अभियान के बाद नगर की किस तरह की तस्वीरें पॉलिथीन चलन को लेकर रहती हैं, इसे पुरजोर तरीके से पालिका और आम जनता के बीच सामने रखता रहेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका की ईओ निहारिका चौहान भी पूरी तरह से सशक्त नजर आ रही है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। 24 जून 2024 को कल नगर पालिका में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, क्या कुछ विशेष रहा, क्या कहना है? कल की बैठक के आयोजन का विषय था आरंभ 4.0,
ये एक अभियान है जो हमारी सरकार द्वारा चलाया जाता है, प्रत्येक माह प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है इस मौसम में भी, और कई बार इसके चरण हो चुके हैं। आरंभ एक में हमने प्लास्टिक के उन्मूलन और उसके वैकल्पों पर बात की थी। आरंभ दो में भी हमने इसे भेजा। आरंभ फोर है, अभी आरंभ फोर में हमें जो है प्लास्टिक में पब्लिक का सहयोग और पब्लिक से ये अपेक्षाएँ हैं कि वो कुछ नया करें और आगे बढ़कर प्लास्टिक को निषेध करने के लिए स्वयं से कदम उठाएं। इसलिए हमने कल व्यापारी वर्ग के साथ मीटिंग करी और हम चाहते हैं कि हम जुर्माने की कार्रवाई कम करें और हमारे व्यापारी वर्ग स्वयं से बहुत ही जागरूक है और वो अगर हमें सहयोग पिछले साल भी उन्होंने किया था वो थोड़ा अच्छा सहयोग करेंगे तो हम पॉलीथीन को रोक पाएंगे। पॉलीथीन जब्तीकरण अभियान को लेकर बीते माह दिसंबर 2023 में 6 दिवसीय सख्ती से अभियान चलाने की पालिका द्वारा विशेष बैठक के दौरान बात कही गई, फरमान जारी हुआ, जमीनी स्तर पर कितना सफल हुआ? हमने 48,000 रुपये की जो है वसूली उस समय करी थी जुर्माने से, और ठेले वालों पे हमने सिर्फ सांकेतिक जुर्माने किए थे। जो भी हमने खेल में थोक व्यापारियों को ही पकड़ा था, जो थोक व्यापारी यहाँ से मेन हाईवे से हापुड़ बुलंदशहर मार्ग से जाते हैं उन्हीं पर हमने छापेमारी करी थी। दुकानदारों ने हमारे अनुरोध पे कई जगह पेपर बैग और जो है एक विशेष प्रकार के बैग को डिज़ाइन किया था, जिसकी वजह से उन पर इतनी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। नगर पालिका में गणमान्य जनों की उपस्थिति होती है, उनके द्वारा राय आश्वासन और भरोसा जताया जाता है कि पॉलीथीन का प्रयोग नगर गुलावटी में देखने को नज़र नहीं आएगा। क्या पालिका द्वारा उनके यहाँ पर भी जाकर समीक्षा की गई? पालिका ने ये आरंभ चार में अपने व्यापारी वर्ग को कल एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जैसे रामायण में भी है कि ये चीज़ मैंने कल बैठक में भी बोली थी और आज भी बोल रही हूँ कि पहले हम विनय करेंगे, पहले हमारा ये है कि पब्लिक स्वयं से छोड़ दे, व्यापारी स्वयं से उसका प्रयोग ना करें, स्वयं अगर दुकान में प्रयोग कर रहा है तो उसको हटाए, अगर वे नहीं मानते हैं तो हम उनको जो है दंड भी देंगे जुर्माने की कार्रवाई के रूप में और उनको एक प्रोत्साहन के रूप में थैले और इत्यादि भी बताएंगे कि करेंगे। पर फिर भी हमारे कुछ व्यापारी वर्ग ने बहुत अच्छा काम किया था, कई दुकान वालों ने, मिठाई के दुकान वालों ने अपने थैले जो वो पॉलीथिन पैकिंग करते थे उनमें बंद करके बैग पैकिंग शुरू किया है। ये पिछले साल का बहुत अच्छा अचीवमेंट था हमारा, इस साल भी कोशिश है। हमने व्यापारी वर्ग से कहा है वो कुछ नया करते हैं, जीरो वेस्ट अपनी दुकान के सामने लगाएं, बोर्ड लगाएं, पॉलीथिन बिल्कुल ज़ीरो करें और जीरो वेस्ट, हमारा दुकान जीरो वेस्ट है या जीरो पॉलीथिन वाला है, इस तरह का अपने आप को शोकेस करें। पालिका उन्हें सम्मानित करेगी स्वच्छता चैंपियन के रूप में 15 जुलाई तक। 26 जून को फिर से अभियान चलाया जाएगा। हाँ जी, कब तक चलाया जाएगा और किस तरह की अब की बात सख्ती को लेकर के कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल, 26 से 30 तक हम बहुत एक रिगरस चेकिंग अभियान चलाएंगे और इसमें हम ये भी ढूंढेंगे कि हमारे वो कौन से दुकानदार हैं जो पॉलीथिन को नाली में नहीं डालते, पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करते और अपने यहाँ पर अच्छा दे, ऐसे दुकानदारों और व्यापारी वर्ग को और जो हमारे लोकल व्यक्ति हैं उनको, लोकल वेंडर्स जो हमारे हैं उनको हम स्वच्छता चैंपियन के रूप में पुरस्कृत करेंगे और जो होगा जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। पॉलीथीन को लेकर के बात की जाए तो पॉलीथीन विक्रेता, उसको लेकर के पालिका किस तरह से सोचती है, क्या संज्ञान उसकी तरफ से लिया जाएगा? पिछले साल हमने 2 पॉलीथीन विक्रेताओं को भी ट्रैप किया था। गत वर्ष हमें पॉलीथीन विक्रेता ट्रैप नहीं हो पाए, जबकि हमने प्रयास किया वो मौके पर हम कुछ छापेमारी में प्राप्त नहीं कर पाए। इस बार हमारा बहुत प्रयास है कि हम ऐसे जो थोक विक्रेता हैं उनको ही चिन्हित करें और उन पर बड़ी कार्रवाई करें। नगर में आमजन की चर्चा को लेकर अगर बात की जाए तो चर्चा देखने को मिलती है कि नगर पालिका द्वारा अभियान के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है, काम कम किया जाता है। ऐसा नहीं है, पालिका जो है खाना पूर्ति नहीं करती है, पालिका बहुत सघन अभियान चलाने की पूरी चेष्टा करती है और अब की बार चेतावनी देकर इसीलिए किया जा रहा है कि जो गत वर्ष में या गत माहों में कुछ अगर शिथिलता बढ़ती गई है तो वो इस वर्ष ना बढ़ती जाए। चेतावनी इसलिए दी जा रही है कि प्रथम दिन से 26 से या जुर्माने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या माना जाए कि नगर गुलावटी पॉलीथीन मुक्त हो जाएगी? देखिए, पब्लिक सहयोग करेगी तो कोई भी जगह पॉलीथीन मुक्त हो सकती है और जनता नहीं चाहेगी तो ये पॉलीथीन मुक्त कर पाना संभव नहीं। पॉलीथीन को लेकर के नगर पालिका लगातार अभियान चलाने की बात करती है, सघन अभियान की बातें होती हैं और गणमान्य जनों की उपस्थिति होती है, वो भी आश्वासन देते हैं, तो इसको लेकर के क्या
वास्तविकता है कि नगर में गुलावठी पॉलीथीन मुक्त हो जाए? पालिका किस तरह से कड़ा संज्ञान लेगी? अरुण जी, आप ये जान लीजिए कि कोई भी आंदोलन जो है कभी भी अकेला व्यक्ति नहीं खड़ा कर सकता, पर जब उसमें 10-4 लोग मिल जाते हैं तो वो आंदोलन एक ऐसा रूप ले लेता है। कल हमारे व्यापारी वर्गों ने ऐसे ऐसे उदाहरण बताए। एक व्यापारी वर्ग ने बताया, विशाल नाम के लड़के ने शमशान पे जो है लोग पानी पी पी कर जो है बॉटल डाल रहे थे, तो उसने उठाकर एक पन्नी में उसको पैक किया और उसको जो है जो वहाँ सफाई करने वाला था उसको थमा के दिया। तो इससे और भी लोग वहाँ पर जो फेंक रहे थे बोतलें उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से अगर क्रांतिकारी विचार हमारी कोई जनरेशन, युवा पीढ़ी का व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बड़ा करता है, तो हम डेफिनेटली आज नहीं तो कल गुलावटी को प्लास्टिक मुक्त कर ही लेंगे। पॉलीथीन सघन चेक इन अभियान के तहत क्या ठेले व्यापारी, छोटे मझले व्यापारियों पर ही कार्रवाई देखने को नजर आएगी या ऐसे बड़े व्यापारियों पर भी इस तरह की कार्रवाई देखने को? मैंने अपनी वार्ता के प्रारंभ में ही बताया कि हम ठेले वालों पर सिर्फ सांकेतिक ही जुर्माना करते हैं, पहले भी किया और आज भी ऐसा ही सांकेतिक जुर्माना करते हैं। हमें भी पता है कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए सबसे छोटे वेंडर्स हैं हमारे, पर जो बड़े व्यापारी हैं उन पर हम नियमात्मक जो भी कार्रवाई है करते हैं। अंत में नगर की जनता को किस तरह का आश्वासन आप देना चाहेंगे पॉलीथीन जब्तीकरण अभियान को लेकर? देखिए, पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बन आई जब इस दुनिया में, तो उसका उद्देश्य था मनुष्यता की मदद करना। हम अपने छोटे सामान को पैक कर सकते थे और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें उससे कर सकते थे, पर इसके ज़्यादा प्रयोग से इसके कुचक्र में हम ऐसे फंसे हैं कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आप जनता अगर खुद से जाए दुकान पे और अगर लस्सी पी रही है कुल्लड़ से, और भी लोग वहाँ पर जो फेंक रहे थे बोतलें उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से अगर क्रांतिकारी विचार हमारी कोई जनरेशन, युवा पीढ़ी का व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बड़ा करता है, तो हम डेफिनेटली आज नहीं तो कल गुलावटी को प्लास्टिक मुक्त कर ही लेंगे। पॉलीथीन सघन चेक इन अभियान के तहत क्या ठेले व्यापारी, छोटे मझले व्यापारियों पर ही कार्रवाई देखने को नजर आएगी या ऐसे बड़े व्यापारियों पर भी इस तरह की कार्रवाई देखने को? मैंने अपनी वार्ता के प्रारंभ में ही बताया कि हम ठेले वालों पर सिर्फ सांकेतिक ही जुर्माना करते हैं, पहले भी किया और आज भी ऐसा ही सांकेतिक जुर्माना करते हैं। हमें भी पता है कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए सबसे छोटे वेंडर्स हैं हमारे, पर जो बड़े व्यापारी हैं उन पर हम नियमात्मक जो भी कार्रवाई है करते हैं। अंत में नगर की जनता को किस तरह का आश्वासन आप देना चाहेंगे पॉलीथीन जब्तीकरण अभियान को लेकर? देखिए, पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बन आई जब इस दुनिया में, तो उसका उद्देश्य था मनुष्यता की मदद करना। हम अपने छोटे सामान को पैक कर सकते थे और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें उससे कर सकते थे, पर इसके ज़्यादा प्रयोग से इसके कुचक्र में हम ऐसे फंसे हैं कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आप जनता अगर खुद से जाए दुकान पर और अगर लस्सी पी रही है कुल्लड़ में और उसकी मलाई को खाने के लिए प्लास्टिक के चम्मच का इस्तेमाल कर रही है, तो जनता उससे कह रही है हमें लकड़ी का चम्मच चाहिए। जनता ये कह सकती है कोई व्यापारी पॉलीथीन दे रहा है तो कहीं नहीं हम थैला लाएँ, आप हमें थैले में दीजिए। व्यापारी वर्ग से भी ये निवेदन है मेरा कि इस वायर को उस पर सहयोग करें, अपनी दुकान पे पॉलीथीन कम से कम करें, पेपर बैग्स को यूज़ करें। पेपर रिसाइकिल हो जाता है, पॉलीथीन रिसाइकिल नहीं होते। एक और भी चीज़ है, बच्चे कर सकते हैं, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, जो भी पॉलीथीन उनके घर में आती है उसको एक बॉटल में भरें और पालिका के कर्मचारी को वो बॉटल जिसमें पन्नी भरी हो वो वापस कर दें, तो इससे जो पॉलीथीन इधर उधर फैलती है वो नहीं। पालिका ने एक निवेदन पानी पिलाने वालों से भी किया था कि जो है विगत दिनों में कि प्लास्टिक के ग्लास ना इस्तेमाल करें, कुल्लड़ या पेपर बैग, निवेदन उनसे भी है। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स जो भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उसको वो निषेध करें, पेपर बैग, पेपर कप्स और दही प्रयोग करें। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि एक बार फिर से बैठक हुई है 6 महीने बाद, क्या इस बैठक का असर उन माफियाओं पर पड़ेगा जो अब भी प्लास्टिक बेच रहे हैं, पॉलीथीन बेच रहे हैं? जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उनको कैसे जागरूक किया जाएगा, इस बात का इंतजार है।